और अब राजधानी रांची का रुख करते हैं। सहयोगी शहनवाज हमारे साथ मौजूद है। शहनवाज, रन फॉर यूनिटी, एकता की दौड़ में पूरा हिंदुस्तान एक सूत्र में पिरता हुआ नजर आ रहा है। रांची में क्या तस्वीरें दिखा पा रहे हैं आप? बिल्कुल जया, अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री रघुवर दास सैनिक मार्केट में आगमन होगा। इसके बाद यहां से वो हरी झंडी दिखाएंगे दौड़ को, और उसके बाद वो फिरायलाल चौक यानी अल्बर्ट का चौक पहुंचेगी। वहां पर मुख्यमंत्री का संबोधन भी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह मुख्यमंत्री के आगमन का इंतजार किया जा रहा है। बिल्कुल स्टेज बनकर तैयार है। यहाँ पर नगर विकास मंत्री सीपी सिंह के अलावा रांची सांसद संजय सेठ, सांसद अन्नपूर्णा देवी के अलावा जो मुख्य सचिव हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, डीजीपी पहुंचे हुए हैं, अन्य प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हुए हैं। आइए आपको नगर विकास मंत्री से बात कराने की कोशिश करते हैं। सर, आज रन फॉर यूनिटी का आयोजन है, आज के दिन क्या संदेश देने की कोशिश है? देखिए, आज राष्ट्रीय एकता दिवस हम मना रहे हैं और पूरा देश मना रहा है, क्योंकि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आज जयंती है। और हमारे सरदार पटेल जी ने पूरे भारत को एक करने का काम किया था। जितने राजे रजवाड़े थे, सारे रियासतों को उन्होंने मिला करके एक किया। सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर का पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने जिम्मे लिया, जिसके कारण आज पूरा भारत भुगत रहा है। लेकिन हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति ऋणी है, पूरा भारत वर्ष ऋणी है। उन्होंने भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए उन्होंने काम किया, और उस काम को हम सब हमेशा याद रखेंगे। इसीलिए आज 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी के माध्यम से रांची में आम जनता को ये बताना चाहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को हम एकता दिवस के रूप में मनाएंगे, और हम सब मनाने का काम करें, और ये पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। आज के दिन इस लिहाज से भी खास है कि आज के दिन जो दो केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भी आज से आधिकारिक तौर पर मानचित्र में हमारे पास आ गया है, यानी कि 9 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्यों के, तो उस दिन को किस तरह से आप देखते? देखिए, ये तो बहुत बड़ी बात हुई है ना। 72 साल से देश भुगत रहा था धारा 370 का, 35A का, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भारत के अंदर जो तरह तरह के पाबंदियाँ थी जम्मू एंड कश्मीर में, उसको हटाने का काम किया, और वह भारत का एक अभिन्न अंग था, है और आगे भी रहेगा। लेकिन जो वहाँ पाबंदियाँ थी, धारा 370 थे, 35A था, विशेष प्रावधान थे, जिसके कारण ऐसा महसूस होता था कि जम्मू एंड कश्मीर कहीं ना कहीं अलग एक प्रांत की तरह है। प्रांत तो था ही, है भी, लेकिन धारा 370 और 35 से हटने के बाद। शहनवाज, जरा तस्वीरें भी दिखाएं कि आखिर राजधानी के लोग जो हैं वो कितने जागरूक नजर आ रहे हैं रन फॉर यूनिटी को लेकर। सांसद संजय सेठ भी वहां पर नजर आ रहे हैं। देश हो गया, जम्मू एंड कश्मीर अलग प्रांत हो गया, तो इस प्रकार से आज देश के अंदर एक अभूतपूर्व क्रांति आई है, और उसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री बधाई के पात्र हैं। सांसद संजय सेठ जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजदा, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आज का दिन पूरे भारतवर्ष के लिए क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए, आज तो पूरा भारत ना राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहा है और सरदार पटेल को याद कर रहा है। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल देश की रियासतों को, जो 72 रियासतें थीं, उनको एक किया, भारत को अखंड बनाया, भारत को एक 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 माने में पिरोया उन्होंने। और सरदार पटेल की ने जो काम किए, देश आज भी उनको याद कर रहा है। देश उनको इसलिए भी याद कर रहा है कि जब धारा 370 आर्टिकल 370 जब इम्पोज हो रहा था, तो उन्होंने विरोध किया था कि ये धारा 370 उचित नहीं है कश्मीर के लिए, और इसीलिए नेहरू जी से उनका कुछ मनमुटाव भी हुआ। और आज आप देखो कि आर्टिकल 370 को अबोलिश करके एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरदार पटेल को दी है। और हम तब तो कहते हैं कि लौह पुरुष मानते हैं, भारत का बच्चा बच्चा बोलता है लौह पुरुष कौन, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उन्होंने देश को एकता के रूप में पिरोज किया। और इसीलिए
आज पूरा देश दौड़ रहा है, एकता के लिए दौड़ रहा है कि 130 करोड़ देशवासी एक माले में पिरो, 130 करोड़ देशवासी एक साथ खड़े हैं और हम कह सकते हैं कि भारत एक शक्तिशाली देश, भारत सरदार पटेल के लौह पुरुष के आदर्शों पे आगे बढ़ चला है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज तो गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी पे हैं और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा और हम आज राष्ट्रीय एकता दिवस पे रांची के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब दौड़ लगा रहे, रांची भी देखो, रांची आज बहुत एक माले के रूप में पिरोया है, पूरा झारखंड एक माले के रूप में पिरोया है और माननीय मुख्यमंत्री जी जो आदर्श हैं लौह पुरुष के उनको सड़क उतार रहे हैं। जो सपना था कि एक देश एक विधान, वो बात आपके पास हम वापस लौटेंगे, बने रहे आप हमारे साथ।